यदि आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में आप कहीं पीछे ना रह जाए, आप चाहते हैं कि तकनीकी बदलावों की आपको जानकारी रहे और जानकारी भी ऐसी जो करियर में आपके लिए फायदेमंद हो, नए आविष्कार हो या कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी हलचल, मैं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला लेकर आया हूं आपके लिए टेक न्यूज सीरीज। खबर नई हो या हो पुरानी, पर होगी आपके काम की। और हाँ, ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, अभी पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाह फैली हुई है कि जो मोबाइल नंबर्स हैं वो 13 डिजिट्स के होने वाले हैं, यानी 13 डिजिट के। अभी जो मोबाइल नंबर्स होते हैं वो 10 डिजिट के होते हैं और इन्हीं को याद रखना एक बहुत मुश्किल काम होता है। अब अगर मोबाइल नंबर ऐसे में 13 डिजिट के हो जाएंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक अफवाह है। सच्चाई क्या है इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं टेक न्यूज की सीरीज में। तो सुनते रहिए इस वीडियो को ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो सिम होती है वो दो प्रकार की आती है। एक वो नॉर्मल सिम, जिसको क्लासिक सिम भी बोलते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन में यूज होती है। ये नंबर्स, इस मोबाइल फोन के नंबर्स 10 डिजिट के ही रहने वाले हैं, ये 13 डिजिट के अभी नहीं हो रहे। लेकिन जो दूसरे तरह की सिम होती है, जिसको बोलते हैं M2M सिम या मशीन टू मशीन सिम, यस, इसके बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि ये 13 डिजिट के होने वाले हैं। तो ये न्यूज बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये न्यूज लागू होती है M2M सिम के ऊपर। तो डेफिनेटली ये 13 डिजिट का होने वाला है, पर इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हम जिन मोबाइल नंबर्स को याद रखते हैं वो अभी भी 10 डिजिट के ही रहेंगे। आपको पता होगा IoT के बारे में, आपने सुना होगा इस टर्म को IoT। नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ये डिवाइस, इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, उनको जरूरत होती है एक सिम की, ताकि उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन बन सके और उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। तो ये जो M2M सिम होती है, ये इस तरह के डिवाइसेस में लगती है। और M2M सिम जो होती है वो कई मायनों में क्लासिक सिम से अलग होती है। क्या डिफरेंसेस होते हैं? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं कुछ आपके सामने रखता हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आए। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी क्लासिक सिम होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, जबकि M2M सिम में स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो रीड राइट साइकिल है वो भी थोड़ा हाई परफॉर्मेंस होती है, हाई नंबर ऑफ रीड राइट साइकिल होती है M2M सिम में। और साथ ही साथ जो क्लासिक सिम के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो M2M सिम की लाइफ टाइम ज़्यादा है। यहाँ पर आप डेटा को भी बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कहा तो ये जाता है कि M2M सिम में आप 17 साल तक भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। तो M2M सिम कुछ इस तरह के मटेरियल से डिज़ाइन की गई है, मैन्युफैक्चर की गई है, कि ये हार्श से हार्श एनवायरमेंट में भी ये अच्छे से काम कर सके। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जैक्टली टेम्परेचर रेंज बताऊं तो जो क्लासिक सिम है वो -25 डिग्री से लेकर करीब 85 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज को सहन कर पाती है, जबकि जो हमारी M2M सिम है वो -40 डिग्री से लेकर लगभग 105 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज को कवर कर पाती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो M2M सिम है ये काफ़ी बेटर होती है क्वालिटी के मामले में। इनफैक्ट M2M सिम में जंग भी जल्दी नहीं लगती है, वाइब्रेशन से भी ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, शॉक से भी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक सिम। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जिसको हम शॉर्ट में DOT भी बोलते हैं, उसने एक डायरेक्टिव टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए जारी किया है। जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जैसे एयरटेल है, आइडिया है या रिलायंस है, इनको एक डायरेक्टिव जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो M2M सिम है वो 13 डिजिट नंबर स्कीम को 1 जुलाई 2018 तक लागू कर दिया जाए। यानी कि इन ऑपरेटर्स को, इन कंपनीज को अब करना ये होगा कि जो M2M सिम वो बनाते हैं वो अभी तक 10 डिजिट के नंबर्स हुआ करते थे, अब 13 डिजिट के नंबर हो पाएं, ऐसी व्यवस्था उन्हें बनानी पड़ेगी। और इसके लिए जो समय सीमा दी गई है वो कहा गया है कि 1 जुलाई 2018 तक ये लागू हो जाना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ और चीज़ें रहेंगी, जैसे कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होने तक के लिए कुछ और समय भी मिलेगा। अब ये जो M2M सिम है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो जैसे आपने स्वाइप मशीन यूज़ करते हैं, आप जब भी कार्ड से पेमेंट किसी शॉप पे करते होंगे, तो उस मशीन के अंदर जो सिम लगती है वो M2M सिम होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स में भी M2M सिम लगती है, कार में, ऑटोमोबाइल्स में भी M2M सिम लगती है, यानी बहुत सारी मशीनरी में M2M सिम लगती है।
आप लोगों को ये जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि IoT से जो क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे समाज में होने वाले हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि एक दिन गमला खुद बोले कि मेरे अंदर पानी डाल दो भाई, पानी की कमी हो गई है, क्योंकि उसके अंदर हम लगा देंगे एक छोटा सा डिवाइस जो कि इंटरनेट इनेबल्ड होगा, जिसमें इस तरह की कोई सिम लगी होगी और वो डिवाइस आपके मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट कर लेगा, आपको मैसेज सेंड कर देगा कि इस समय गमले में पानी का लेवल इतना कम हो चुका है तो अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। तो सोच के देखिए कि अगर हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, ये सब इंटरनेट इनेबल्ड हो जाए तो ये सब अपनी व्यवस्था खुद करने लगेंगे, यानी खुद अपनी चिंता करने लगेंगे। तो सेंसर्स की मदद से इन्हें डेटा मिलेगा, उस पर कुछ प्रोग्रामिंग होगी, कुछ एनालिसिस होगा और उसके बाद कुछ आउटकम आएगा। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन दुनिया में होने वाला है, हो रहा है और हम इस सब को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को किस तरह का लगा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, यदि आपको लगता है ये बहुत अच्छा है तो आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपको कमेंट्स में कहना है वो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, गुड बाय। अगली टेक न्यूज़ में हम फिर हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। बाय बाय।